अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो वी आर वर्किंग ऑन बन्नत प्रोजेक्ट के फिफ्थ ड्रेस की प्रिपरेशन हो रही है, मैं दिखाती हूँ। सो ये एरिया डेकोरेट, इसमें हमने क्योंकि ड्रेस मेरा ऑरेंज एंड वाइट है तो उसके साथ मैंने थोड़ा येलो का कॉम्बिनेशन दिया है। हाँ ये अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा और इस साइड पे करना। हाँ ओके हाँ इतना गैप ठीक है, इतना गैप ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट वी आर वर्किंग ऑन। अभी ये एरिया में जो गैप आ रहा है ना, इसके बीच में, इस गैप में भी मुझे कुछ ना कुछ चाहिए, तो लेट्स सी क्या करते हैं। सो फार ये तो मेरा शूट में हर दफ़ा ही जा रहा है पार्ट, बट ये वाला कॉर्नर जो था ना, इसको अकॉर्डिंग टू ड्रेस मैं चेंज करती रहूँगी। सो फार मेरा जो ड्रेस है उसका जो थीम है उसके हिसाब से येलो फ्लावर्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो अभी उसकी सेटिंग कर रही हूँ। ओके अभी सफ़ेद, हाँ सफ़ेद वाले लगा दो, थोड़ा सा गैप बढ़ाते जाना। इसके बाद हाँ यहाँ, हाँ ठीक है एक सेकेंड यहाँ से दिखाऊँ, एक सेकेंड, हाँ हाँ इतना थोड़ा और करीब कर लो, बस दो लगाना सफ़ेद, एक ये लगेगा एक और लगेगा, ठीक है। तो फिर देखेंगे इसका लुक कैसा आ रहा है। एक्चुअली यहाँ पर मुझे येलो का रिच कलर देना है और उसके बाद येलो को डाइल्यूट करते करते वाइट फ्लावर्स पे एंड करना है। इसके बाद तो फिर मेरा जो शीशो वाला है और बैंगल्स का स्टाइल है वो तो चल रहा है, बट ओवर हियर मुझे थोड़ा सा रिच लुक येलो का देना। आई थिंक कि मैं यहाँ पर लड़ियाँ और भी इंक्रीज कर सकती हूँ येलो की, ओनली इन दिस कॉर्नर सोच रही हूँ, दैट इज़ व्हाट आई एम थिंकिंग। लेट्स सी, अच्छा जी एक सेकंड तुम दिखाओगे मुझे यहाँ से लुक, हाँ इस तरह से बस। ये अब ख़त्म हो गए अभी हैं एक, अच्छा ठीक है चलें फिर हमें और लानी पड़ेंगी लड़ियाँ। ये ना लड़ी बहुत ब्यूटीफुल है और ये कितनी हसीन लग रही है इसके ऊपर रेड पे, बट दीवार पे जाके सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल जो है ना वो येलो लग रही है, हालांकि ये मुझे सबसे ज़्यादा खूबसूरत ये लग रही थी। ये वैसे इस कलर पे उठ रही है, दीवार पे येलो ज़्यादा उठ रही है। बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है और अभी मैं इस पर वर्क कर रही हूँ ड्रीम कैचर, ये फ्रेम है मेरा, इसके इस पर मैं गोटा लपेट रही हूँ, अभी कम्प्लीट ही हुआ तो देखें टारगेट तो है कि ये पूरा वहाँ से हैंग करूँगी मैं, अगर ये कंप्लीट हो गया, वैसे कंप्लीट करना है एनीवेज मुझे, भले रात भर लग जाए। अभी चाय पी रही हूँ, शूट तो है हमारा संडे को, लेकिन फ्राइडे सैटरडे संडे बस सबके बिजी है। पूरा लुक दिखाओ यहाँ से लेके मिरर तक का, सारे मिरर्स की स्ट्रिंग्स के साथ। इसकी भी रीटचिंग करनी है कहीं कहीं ना, मिरर्स की स्प्रिंग भी कुछ निकल गए हैं कुछ, तो उनको भी टच करना है और मैं बिजी हूँ रात और दिन, अतर भाई बिजी हैं, टेसल्स वाला बंदा बिजी है, ज्वेलरी वाला उमर बिजी है, उमर बेचारे ना तो रात दिन एक किया हुआ है, काफ़ी आइटम्स उसने कंप्लीट कर लिए हैं, तो चीज़ें मुझ तक पहुँचेंगी सैटरडे इवनिंग तक सारी कम्प्लीट होके। 90% अदर भाई का काम कंप्लीट है, 10% रहता है। रात को मैंने उनका एक आइटम और इंक्रीज कर दिया, वो बेचारे जब ख़त्म में मुझे कॉल करते हैं ना, बाजी ख़त्म हो गया, मैं कहती हूँ अदर भाई ये चीज़ और चाहिए, तो एट नाइट यस्टरडे 12:00 पे मैंने एक चीज़ और, 12 बजे मैंने अदर भाई को कहा ये एक चीज़ और चाहिए, अदर भाई मैंने कहा छोड़ दे मुझे बुरा लग रहा है, आपने आप लगे हुए एक टांग पे खड़े होकर कंप्लीट कर रहे हैं, कह रहे बाजी बोले आप बोले मैं करूँगा आप बताएं, तो फिर मैंने उनसे कहा मुझे एक दुपट्टा और चाहिए, और फिर मैंने जब दुपट्टे का बताया तो उसके साथ उसकी स्पेसिफिकेशन डिटेलिंग और सब चीज़ें, फिर एक बजे तक उनसे वो डिस्कशन हुआ, आज बैठ के वो बना रहे होंगे, वो जब अपना काम कंप्लीट करते हैं मैं थोड़ा सा और दे देती हूँ, तो आई मीन सैटरडे नाइट तक इंशाल्लाह सारी चीज़ें असम्बल हो जाएंगी, टेसल्स ड्रेस डेकोरेशन ज्वेलरी एवरीथिंग, और फिर मेकअप, और मेकअप का पूरा एक डिफरेंट डोमेन है जिसमें मैं हैंड आर्ट की तरफ जा रही हूँ, तो वो अभी मुझे काम करना है, आज शाम मेरी उसी पे जाएगी सारी, जिसमें मैं हैंड आर्ट या जो भी टैटू आर्ट किस्म की कोई मेहंदी नहीं समथिंग डिफरेंट। तो एनीवेज ये अपडेट थी, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब करते जाइएगा, बाय। सो मच वर्क टू डू, गाँव तक क्योंकि भी कवर्स चेंज होंगे बिकॉज हर ड्रेस के साथ डिफरेंट है, और
उसका उसके साथ पंखा भी है उसका, तो